एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज डी व्लॉग्स बाय दिप्यानी। आज का ये हॉल थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। आज मैं जो भी प्रोडक्ट लेकर के आई हूँ उनके लिए मुझे कमेंट आए थे, तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। पर अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि आप तक मेरे वीडियो सबसे पहले पहुँच सके। देख लेते हैं अपने फर्स्ट प्रोडक्ट को। तो फर्स्ट मैंने कुछ इस टाइप का एक ड्रेस ऑर्डर किया है जिसमें आपको नीचे एक शॉर्ट स्कर्ट मिल जाएगी, नियॉन कलर का है ये, और ऊपर आपको इस टाइप से शर्ट मिलेगी। इसमें आगे इस टाइप से बटन बने हुए हैं, तो आप इनको ओपन करके अंदर स्पैगेटी या ब्लैक कलर की कोई भी टी शर्ट कैरी करके उसके ऊपर इसको पहन सकते हैं एज अ जैकेट भी। काफ़ी ज़्यादा ये कूल लुक दे रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैंने इसको कैरी किया। इसमें आपको स्कर्ट में नीचे इलास्टिक मिल जाएगी और सामने से आपको स्कर्ट में भी बटन मिल जाएंगे। आगे दो पॉकेट हैं और पीछे भी दो पॉकेट हैं, काफ़ी अच्छा लुक है इसका। शर्ट में भी आपको ऊपर पॉकेट मिल जाते हैं और इसकी 3/4 स्लीव्स आएंगी। ये मैंने फोल्ड करके कैरी किया था, बट अगर आप चाहो तो इसको फुल करके भी कैरी कर सकते हो। इसकी काफ़ी अच्छी 3/4 स्लीव्स है। कॉटन का कपड़ा है इसका, मैंने इसको स्मॉल साइज पे ऑर्डर किया जो कि मुझे परफेक्टली आई है। शर्ट में भी आपको यहाँ पे इलास्टिक मिल जाएगी, इसके बटन्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। इसमें आपको और भी कलर वेरिएंट्स मिल जाएंगे, फॉर एग्जांपल पिंक, ऑलिव ग्रीन, मरून, ब्लैक और भी बहुत सारे कलर हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको परचेस करना चाहते हो तो मैं कहूँगी कि गो फॉर इट, काफ़ी अच्छा है। इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी सॉफ्ट मटेरियल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आ रहा है इसका, एकदम ट्रेंडी लुक है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे इसका लुक कैसा आएगा। मैं आपको रिकमेंड करूँगी बिना किसी सेकेंड थॉट के आप इसको डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, तो ये वर्थ इट है बहुत ज़्यादा और काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप देख सकते, अगर और भी लोगों को इसको परचेस करना है तो मैं इसका कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप लोग भी जाकर के इसको चेकआउट कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट। तो नेक्स्ट मुझे कमेंट आया था एक ये मिडी के लिए, ब्लैक कलर की है। इसमें दो कलर ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, एक ब्लैक और एक वाइट, बट मुझे ब्लैक के लिए आया था तो मैंने ब्लैक मंगाया है। वाइट अगर आप लेते हो तो आपको एकदम फेरी लुक आएगा और ब्लैक से बहुत ज़्यादा हॉट लुक आ रहा है। मैंने इसको पहना, ये पूरा इसका फैब्रिक ये देख सकते हैं आप, इसका फैब्रिक आगे से ऐसे नेट है पूरा और अंदर पॉलिस्टर टाइप का मटेरियल है जो कि बहुत सॉफ्ट है, काफ़ी अच्छा मटेरियल है। इसमें आपको स्लीव्स नहीं मिलेंगी, इस टाइप का स्लीवलेस है ये और एडजस्टेबल नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही है इसमें कि इसमें एडजस्टेबल आपको स्ट्रिप नहीं मिलेगी और ये आपको कई सारे साइजेस में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ फ्री साइज में अवेलेबल है। तो मैंने इसको कैरी किया, थोड़ा डीप नेक है इसका, बट कोई इशू नहीं है। इसको मैं इधर से पीछे से इतना सा अगर फोल्ड करके स्टिचिंग करा लूँगी ना तो परफेक्टली आएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसका लुक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, जिसने भी इसको बोला था वो डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा है ये। इसमें आपको पीछे इस टाइप से डोरी मिल जाती है तो आप नॉट बना सकते हो। मैंने इसका नॉट पीछे से लग करके सामने के साइड में नॉट बनाया है तो उसका लुक और भी ज़्यादा अच्छा आ रहा था। दूसरी चीज़ ये कि आप इसको दो तरीके से वेयर कर सकते हो, एक तो आप इस तरह से भी वेयर कर सकते हो, दूसरा आप क्रिस क्रॉस करके भी पहन सकते हो, तो उससे भी इसका लुक काफ़ी अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा हॉट आ रहा था, तो मैंने उस तरह से भी ट्राई किया था, बट ट्राई ऑन में मैंने नहीं बनाया। अगर आप लोग चाहते हो उस टाइप से भी देखना तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं उस तरह से भी आपको दिखा दूंगी इसका कैसा लुक आएगा। इसके अंदर आप लोग को पैडेड कप्स मिल जाते हैं जिनको आप निकाल नहीं सकते हो, बट अगर आप निकालना चाहो तो यहाँ पे आपको हल्का सा कट लगा करके तभी आप निकाल सकते हो, नहीं तो ये निकलेगा नहीं। बहुत अच्छी इसकी स्टिचिंग हुई है, सामने से इसके ओपन फ्लेयर्स हैं, तो आजकल वैसे भी ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हुआ है, तो आप लोग इसको डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं और भी लोगों को कहूँगी कि इसको डेफिनेटली ट्राई करो। अगर आप वाइट कलर परचेस करना चाहते हो तो आप वाइट भी ट्राई कर सकते हो, वाइट भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। बट अगर ब्लैक लेना है तो ब्लैक तो पार्टी पर्पज़ के लिए, कैजुअल वेयर के लिए, हर तरीके के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत सेक्सी लग रहा है। आई रिकमेंड कि आप इसको डेफिनेटली ट्राई करो। तो नेक्स्ट मुझे जिस प्रोडक्ट की डिमांड आई है वो यही है जो मैंने वेयर कर रखा है, ये क्रॉप टॉप है प्लस हुडी है इसके अंदर, जो कि बहुत सही लग रही है, इसका लुक काफ़ी अच्छा आ रहा है।
मैंने इसको ओपन करके पहना है, आप इसको ऐसे हुडी की तरह भी पहन सकते हो, बहुत सही लग रहा है ये। इसको मैंने डबल एक्सेस साइज पे मंगाया है जो कि मुझे परफेक्टली आया है। इसमें यहाँ सामने आपको प्रिंट मिल जाएगा और इसका कॉटन का फैब्रिक है जो कि बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। आप इसको कॉलेज पहन के जा सकते हो, ऑफिस भी पहन के जा सकते हो। इसका लुक भी बहुत ज़्यादा कूल आ रहा है और इसकी आपको यहाँ पे हाफ स्लीव्स मिल जाएंगी जो कि बहुत सही है। इतना आपको स्पेस भी है तो आपको पहनने उतारने में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, बहुत अच्छा है। मतलब ओवरऑल अगर मैं इसको बोलूं डेली वेयर के हिसाब से ये बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, काफ़ी अच्छा है। इसको आप नीचे जीन्स के साथ, डेनिम के साथ पहन करके भी जा सकते हो। आप इसका लुक देख सकते हो कैसा आ रहा है, मुझे तो ये काफ़ी पसंद आया है। इसमें आपको और भी कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे जैसे कि मस्टर्ड, रेड, तो आप अपने अकॉर्डिंग कलर चूज कर सकते हो। तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अभी बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट मुझे डिमांड आई थी फ्लिपकार्ट की एक जीन्स की जो कि इस टाइप की है, वाइट कलर की, देख सकते हैं आप इसका कितनी अच्छी लग रही है ये। इसका फैब्रिक कॉटन ब्लेंड का है। इसको मैंने 28 साइज पे मंगाया है बट ये मुझे थोड़ी सी लूज आ रही है और मैं इसको कहूंगी कि इमेज में जिस टाइप से आपको दिख रहा है ना वैसा नहीं आया है, मुझे वैसा नहीं समझ में आया क्योंकि ये जीन्स नहीं जॉगर है। काफ़ी अच्छी लग रही है लेकिन जब ये मुझे रिसीव हुई ना तो मुझे इसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी है। ओके है, सही है, बट बहुत ज़्यादा मैं इससे सेटिस्फाइड नहीं हूँ क्योंकि पहली चीज़ ये कि इमेज में मुझे शो हो रहा था कि ये एंकल लेंथ तक आएगी बट ये मुझे एंकल लेंथ तक नहीं आई। सेकेंडरी कि इमेज से मुझे लगा था कि ये फुल जीन्स की तरह आएगी, चिपकी हुई आएगी बट वैसे भी नहीं आई है, लूज आई है। प्लस इसका 28 साइज भी मुझे लूज आ रहा है बट इसका लुक मुझे काफ़ी पसंद आया है लेकिन मैं को इसको रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि मेरे मतलब की नहीं है, मेरे को साइज में नहीं आ रहे हो। तो मुझे अगर स्टिचिंग भी करानी पड़ती है ना तो मुझे सही नहीं लग रही क्योंकि ये फुल भी मुझे जॉगर टाइप है। अगर आपको वेस्ट 28 आता है तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेचेबल भी नहीं है। तो आप इसको देख सकते हो, अगर आपको परचेस करना है तो इसका लुक मैं आपको दिखा दे रही हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हैं कि इसका लुक कैसा आएगा। लुक इसका काफ़ी अच्छा है बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आई है। ठीक है, ओके ओके, अगर आप डेली पर्पज़ के लिए अगर आप परचेस करना चाहते हो तो आप परचेस कर सकते हो बट मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ इससे। ये तो हो गई हमारे प्रोडक्ट की बात। ये सारे प्रोडक्ट मैंने लोगों के डिमांड पे मंगाया था, तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि मैं आप लोग के बताए हुए किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू करूं, तो आप मुझे उसका लिंक या उसकी कोड को कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो लेकर के आऊँगी तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि एज सुन एज पॉसिबल आप लोग के प्रोडक्ट का रिव्यू कर सकूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।